फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो देखिए, मैं अपने पतिदेव की कितनी सेवा करती हूँ। अभी अभी मैंने इनके लिए फ्रूट्स कट किए हैं और इनको खिलाने के लिए। और ये है कि हर समय मेरी बुराई करते रहते। बुराई तो कभी नहीं करी मैंने, बुराई अभी, करी अभी कर रहे थे, अभी कर रहे थे, कह रहे थे। पहले तो इतना ध्यान रखती थी मेरा, मतलब जब नई नई शादी हुई थी तो कुछ भी लाके मेरे लिए लाके देती थी कि लो जी आप खा लो। कह रहे अब तो मैं मांगता हूँ ना, उसके बाद भी ये बोल देते यार वो रखा आप खा लो लेके। ये बात तो सच है। देखिए फिर मैंने सोचा यार बड़ी सेवा होती थी शुरू शुरू में, दो चार पांच साल तो बड़ी अच्छी सेवा ही, फिर दस साल थोड़ी कम हो गई, फिर दो चार पांच साल और थोड़ी कम हो गई, और अब पता लग रहा है कि कुछ और धीरे धीरे। अभी तो ये है कि लेके खा लो अपने आप। अभी मुझे बोल रहे थे कि ना जैसे बच्चों के लिए देती है ना कट करके, ऐसे मेरे लिए दे देना। मैंने कहा ये रखिए आप ले लो खा लो, मैं काम कर रही हूँ। तब मुझे बोलने लगे यार, पहले तो मैं एक बार ही बोलता था जब नई नई शादी हुई थी, तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, खुद ही लाके मेरे को दे देती आप ये खा लो। अब तो मैं मांगता हूँ उसके बाद मुझे दिखा देती है रख के। कहाँ गए वो दिन? कहीं नहीं गए। अभी देखो मैंने कहाँ गए वो दिन, कहीं की कॉल आ गई। चलो ठीक, तो इनके लिए मैं ले आई। आज हमारे छोटे भाई साहब गए हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, सॉरी लर्निंग बनवाने के लिए। जो हस्बैंड होते हैं ना उनकी यही बहुत ज्यादा शिकायत होती है कि पहले तो मेरी बहुत ज्यादा केयर करती थी, पहले तो मैं कुछ भी बोलता था तुरंत मेरे लिए ला के देती थी, और अब मैं कुछ भी बोलता हूँ ना तो बस ये रखा आप ले लो और खा लो। लेकिन होता भी ऐसे ही है क्योंकि ना यार इतने सारे काम होते हैं, अपना इतना टाइम नहीं होता। टाइम होता तो मैं खुद ही कट करके दे देती हूँ। अब इन्होंने बोला ना तो मुझे इनकी जो बात थी ना एकदम दिल को छू गई कि आज मेरे घर में कोई आने वाला है। और वो कौन आने वाला है? मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ आने वाली है। तो दोस्तों थोड़ी देर मैंने आराम किया, कम से कम 15 से 20 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। अभी वो लोग आ चुके हैं, मतलब दीदी और उनके बच्चे। तो मैं यहाँ पे बना रही थी चाय, तो देखिए मेरी चाय बनने वाली। मिलिए हमारी पायल से। हेलो फ्रेंड्स, आप पहले भी मिल चुके हो लेकिन घर पे आइए तो मिलाना बहुत जरूरी है, और आपकी बात कराना भी जरूरी है। दोनों एक जैसी लग रही है क्योंकि हम दोनों ने सेम पहन रखे हैं। और वो है दीदी का, और वो दोनों भाई लगे हुए हैं आपस में बात करने में। तो चलिए बातें करो आप, है ना। दीदी अभी है नीचे, दीदी और जीजा जी, मम्मी और हस्बैंड वो सब नीचे हैं, नीचे बातचीत कर रहे हैं, बच्चे ऊपर हैं। ये देखिए सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और बैठ के सारे लोग बात भी कर रहे हैं और अपनी सेहत भी बना रहे हैं। जो लाडली सिस्टर आई है, छोटी सी तीनों ही छोटी है इनके लिए। तो मेरे से तो मिले हुए हो ना? हेलो कर दो। हाय, और आपको बहुत पसंद करते हैं वैसे है? कहते हैं करानी पड़ती है ये काम, तो भाभी अपने आप ही करती हैं, मैं नहीं करती कुछ भी। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं दूसरे की, ये है बस हेल्प करते हैं थोड़ी सी, सारा अपने आप ही भाभी करती हैं काम अपने आप ही। तो दीदी को भी टाइम हुआ, ज्यादा टाइम हुआ अभी भी आई है, बस एक से डेढ़ घंटा हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे सारे लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं। हम भांजा है, ये मेरे मामा है, सुनो ये मेरे इकलौते मामा है, इसमें दो राय नहीं है। एक्चुअली क्या है, सबसे शैतान बच्चा है ये, गोमसी तो किसी से। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, अब बहन भाइयों की आपस की बात होती है, आपस में बात करेंगे एक मिनट। और अभी हम लोगों ने खाना ही खाया है सब लोगों को, मतलब मैंने खाना खिलाया है, सब लोगों ने खाना खा लिया। और खाने वाली क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई, आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि सब कुछ मैंने बहुत ही जल्दबाजी में किया है। खाना मैंने बहुत ही जल्दी से बनाया, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने फोन को भी सेट कर दूं। तो अब मैं भी वहीं पे जा रही हूँ, और बैठ के सारे लोग आराम से बात करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना मैं काम में ही लगी रहती हूँ, बात करने का मौका नहीं मिल पाता। तो अब मैं जाती हूँ, थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं, ठीक है। तो दीदी तो चली गई अपने घर पे, और यहाँ पे मैं खाना गर्म कर रही थी। और दीदी का घर ना ज़्यादा दूर नहीं है, दीदी का घर पास में ही है, 10 से 15 मिनट लगते हैं उनको पहुँचने में। और यहाँ पे मैं विशेष के लिए खाना गर्म कर रही थी, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मम्मी मुझे बड़ी तेज़ी से भूख लगी हुई है,
जो भी घर में है थोड़ा सा मुझे दे दीजिए, और उसके बाद आप खाना बनाओगी तब मैं खाना खा लूँगा, तो उसके लिए मैं खाना दे रही थी। और देखिए मैं क्या सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जो मेरे मतलब मेरी फ्रिज में थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी रखी हुई थी ना, तो मैं आज वही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। जैसे कि मशरूम थी, थोड़ी सी ब्रोकली के डंठल थे, गोभी थी, मटर थी, तो आज मैं इन सब की यहाँ पे सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मैंने मतलब सारी सब्जियों को उठाया जो थोड़ी थोड़ी बची हुई थी, उनको अच्छे से साफ करके कट करके यहाँ पे रख लिया। ये है मूली के पत्ते, तो इस सब्ज़ी में मैं मूली के पत्ते भी डालने वाली हूँ, इससे बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। ये आलू भी लिए मैंने, मटर है और ब्रोकली के डंठल हैं, गोभी है, मशरूम है, यहाँ पे प्याज है, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक, इन सब से मैं इस सब्ज़ी को बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल, डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया जीरा और हींग, और उसमें ही मैंने डाल दी थोड़ी सी हल्दी पाउडर। डालने के बाद ये है लहसुन और अदरक और हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज, तो इन सबको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब मैंने थोड़ा सा भून लेती हूँ, और मटर को भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि जो मटर होती है ना थोड़ी सी टाइट होती है, और आजकल की जो मटर आ रही है वो भी टाइट ही आ रही है, जल्दी से मतलब पकती नहीं है, उसे पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभार मैं ऐसा करती हूँ, मटर को मैं पहले ऑयल में ही डाल देती हूँ डायरेक्ट, और क्योंकि जल्दी से वो गल जाती है, और उसके बाद फिर मैं और सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ, लेकिन अब मैंने इसमें बाद में डाला है तो अभी भी गल जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जिसमें मतलब पानी चला जाए, ऑयली है तो जल्दी से गल भी जाएगी। और इसे जल्दी से गलाने के लिए मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, तो नमक मैंने इसमें पहले डाल दिया, तो क्या है ना अभी जल्दी से गल जाएगी। ऐसा होता है कभी कभी जो मटर होती है इसे मतलब गलने में टाइम लगता है पकने में, तो और हम जो सब्ज़ियाँ इसमें डालते हैं वो सब्ज़ियाँ बन जाती हैं, लेकिन जो मटर होती है वो थोड़ी सी टाइट होती है, तो ऐसा लगता है कि सब्ज़ी कच्ची है, तो इसलिए। तो यहाँ पे इन सबको भूनने के बाद अब ये बहुत ही अच्छे से भून चुकी है, और जो मेरी मटर थी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, और टमाटर तो मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि टमाटर थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो फिर अगर मैं टमाटर पहले डाल देती तो मटर नहीं पकती, तो इसलिए टमाटर को बाद में डाल दिया। और इन सबको अच्छे से मैंने मिला दिया। अब मैंने इसमें डाल दी जो मेरी सब्ज़ियाँ थी सारी, ये है गोभी, मशरूम और आलू थे, मटर, मूली के पत्ते, उन सबको डाल दिया। और भी अगर कोई सब्ज़ी बची हुई होती तो मैं वो भी डाल देती, लेकिन यही थी। तो गाजर मैंने जानबूझ के नहीं डाली, गाजर भी थी तो मतलब मैंने जानबूझ के नहीं डाली गाजर। तो इन सबको डालने के बाद अब मैं इन सबको अच्छे से मिला देती हूँ, और ये मैंने पत्ते भी डाल दिए। और हाँ, मूली के पत्ते अगर आप किसी भी सब्ज़ी में डालोगे ना, मतलब सूखी सब्ज़ी में, तो सब्ज़ी का टेस्ट दोगुना हो जाता है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। लेकिन जो मूली के पत्ते ना थोड़े से कोमल होने चाहिए, होते ना एकदम हरे हरे पत्ते होते हैं कोमल कोमल, तो वही अच्छे लगते हैं। अगर होते ना हार्ड से होते हैं और उनमें थोड़ा सा पीलापन होता है, कांटा सा भी होता है किसी किसी पत्ते में, तो वो अच्छे नहीं लगते, कोमल वाले पत्ते ही सब्ज़ी में अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैंने डाल दिया, और अब मैं इन सबको अच्छे से मिला लेती हूँ। इसमें जो मैं मसाले डालूँगी, मैं मसाले वही डालूँगी जो डेली हम सब्ज़ी में डालते हैं। और हाँ, गोभी की सब्ज़ी आप कभी भी बनाते हो, सूखी सब्ज़ी बनाते हो मतलब, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दोगे तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो दोगुना हो जाता है, काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। कभी कभार मैं डाल देती हूँ, डेली नहीं डालती, डेली मतलब जब बनती है ना कभी कभार डाल देती हूँ, कभी नहीं भी डालती तो ऐसा करती हूँ। लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, अगर आप मैगी मसाला डाल के सब्ज़ी बनाओगे तो आपके बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं। इसमें मैंने वही मसाले डाले हैं जो मैं डेली सब्ज़ी में डालती हूँ। अब इन सबको मैंने मिला दिया, मिलाने के बाद अब मैं इसे कवर करके छोड़ देती हूँ कम से कम 10 मिनट के लिए, मतलब बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी जिससे जो मेरी सब्ज़ी है नीचे की साइड जले नहीं, और इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो देखिए यहाँ पर इसे हो चुके हैं पूरे 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद गैस को मैंने रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पर, और 10 मिनट के बाद मैंने इसे एक बार चला दिया। अब क्या है ना, इसमें थोड़ा सा पानी आ गया क्योंकि इसका जो भाप होता है ना वो अंदर ही चला जाता है, तो उसकी वजह से। तो अब मैंने इसे एक बार चला दिया, अब मैं दोबारा से कवर कर देती हूँ। अब मैं इसको चलाऊंगी नहीं, डायरेक्ट इसे निकालूंगी जब मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, बन के तैयार हो जाएगी तब। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे 10 मिनट के लिए और पकाया, जो मेरी सब्ज़ी है बन के हो गई तैयार। तो आप भी एक बार इसी तरीके से जो आपके सब घर में सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी सब्जी रखी रह जाती है उनको इस तरीके से आप बना सकते हो, बहुत ही अच्छी बनती है। उसे दिखाने दो, बनाई किस लिए है? तो चलो 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 तो अरे बस चल, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ये बाइसेप्स मेरे पहले की मेहनत बहुत करता है मेरा बेटा अपनी बॉडी के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, बिल्कुल मेरे ऊपर गया है जैसे मैं मेहनत करता हूँ ना। दीदी आई थी ना तो सारा दिन आज तो ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला।
तो इसलिए और सब कुछ मतलब दीदी का अचानक प्रोग्राम बना आने का तो उनकी कॉल आई थी अचानक, एक दो घंटे पहले आई थी, एक दो घंटे पहले कि हम लोग आ रहे हैं, तो हमें भी नहीं पता था तो उस हिसाब से, तो फिर इसलिए मैं आपको सब कुछ आज नहीं दिखा पाई क्योंकि अचानक दीदी आई थी ना, तो फिर मैंने बहुत ही जल्दी से सब कुछ मैनेज किया, इसलिए खाना पीना खा लिया, अब हमारी सोने की तैयारी हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना वे लोग का एंड भी कर देती हूँ। नहीं वैसा चैंपियन है खाना बनाने में, 5 मिनट के अंदर खाना तैयार कर दिया, 5 मिनट तो झूठ बोलो, नहीं आधे घंटे में खाना तैयार कर दिया। हाँ। उनका फोन आया जैसे ही, तो हमें आईडिया नहीं था कि ऐसे से बात है, लेकिन फोन आया, हमने तुरंत ही फिर पूजा मैडम ने ऐसे ही काम करा, सटा सट फिर तो मैं ट्रेन बन जाती हूँ। कौन सी राजधानी बन जाती हूँ, राजधानी। फिर नहीं देखती मैं, फिर तो ये कुछ भी बोलते रहे तब तक मैं सांस नहीं लेती, तब तक जो मेरा काम है ना वो पूरा ना हो जाए टाइम इसी तरीके से। तो मैं इसकी हेल्प जरूर करता हूँ कभी, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं चाय जरूर बनाता हूँ उसके लिए। ये बात पापा ने कम से कम व्लॉग में 100 बार बोल चुके हैं कि मैं इसकी बहुत हेल्प करता हूँ, ये बहुत मेहनत करती है, और हम ऐसे निठल लोग बैठे रहते हैं मतलब। नहीं मेरा बेटा काम करता है, ऐसी बात नहीं, मेरा बेटा बहुत मेहनती है, और लेकिन बेटा हेल्प भी करते, तुम ये बात बता दू, मैं हेल्प करता हूँ, ये करते। जैसे की आज छुट्टी का दिन था, तो मॉर्निंग में मैं उठ के मम्मी के लिए और पूजा के लिए चाय बनाई, मैंने खुद ने चाय बनाई। हाँ तो एक्चुअली क्या था, मॉर्निंग में मैं सुबह 5 बजे यहाँ से निकला था घर से, अब निकला मैं इसलिए था क्योंकि मेरे दोस्त ने रात में प्लान बनाया था कि सुबह जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी होने रही थी और वहाँ जाके हम पिटाई खा रहे थे अपने वहाँ ट्रेनिंग के लिए, तो अब हमने सोचा प्रैक्टिस करेंगे हम एक दूसरे पे, तो थोड़े वहाँ जाके हम पीटेंगे, पिटाई कम खाएंगे हम थोड़ी। तो आज सुबह हम गए, हमने प्रैक्टिस करी, काफ़ी प्रैक्टिस करी, तो हम थक गए उसमें काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैं आज मैंने रेस्ट किया था, 3 घंटे सोया था मैं, उसके बाद मैंने खातिरदारी करी रिश्तेदारों की, अब मैं थक चुका हूँ, जिम भी करके आया था, तो मैं सो जा रहा हूँ सोने, अब कल सुबह जाना है हमें फिर से, कल मेरी फिर से क्लास है, इसलिए मैं जल्दी सो रहा हूँ, फिर जल्दी मैं उठूंगा। एमएमए मतलब क्या होता है? MMA मतलब होता है मिक्स मार्शल आर्ट्स में, मतलब उसे फ्री फाइट होती है, लात घूंसे सब चलते हैं उसमें, मुंह फूटे, हाथ फूटे, कुछ भी फूटे, तेरे क्या फूटा, अब सेफ्टी अपने ऊपर है। तेरे क्या फूटा अभी तो कुछ नहीं फूटा, अब मैच होंगे मेरे तब देखेंगे। चलो बेटा गुड नाइट, तू भी याद रखेगी, एंड कर दीजिए, गुड नाइट, राम राम जी, राम राम, गुड नाइट।